स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो लोग जानती है, या फिर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि मैं फिलहाल हूँ मेक्सिको में। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी के बिल्कुल सेंटर में मैं हूँ, और पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ये मेक्सिको का सबसे पॉपुलर कैथेड्रल है, मेक्सिको सिटी मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल। आज का दिन एक तरह से आप मेरा पहला दिन कह सकते हो मेक्सिको सिटी में, क्योंकि मैं रात को आया था और हॉस्टल में आके सो गया था। देखते हैं क्या पहले इंप्रेशन है इस सिटी के, कैसा रहता है अपना एडवेंचर। मेक्सिको सिटी की पॉपुलेशन लगभग 90 लाख है, 1 करोड़ से थोड़ी कम, और इसे सिटी ऑफ पैलेसेज भी कहा जाता था, मतलब इस एरिया में इसे सिटी ऑफ पैलेसेज बोलते हैं। मेक्सिको सिटी में 180 से भी ज़्यादा म्यूजियम्स है, जो कि दुनिया में किसी भी सिटी से ज़्यादा है, किसी भी सिटी में इधर म्यूजियम नहीं है। अभी अपने को क्या करना है, पहले तो मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में निकाले थे पैसे, पर वो मैंने कैश पे कर दिया, हॉस्टल के एक साथ मैंने काफ़ी दिन की बुकिंग करा ली थी, तो अपने को दोबारा पैसे निकलवाने हैं। और मेरे को भूख काफ़ी लगी है, तो कुछ खाने का देखते हैं, और शहर में ऐसे ही थोड़ा बहुत टहलते हैं, अपने इंप्रेशन देखते हैं कैसे। आज वीकेंड है तो काफ़ी रौनक है, लोग बाहर घूमने निकले हुए हैं। यहाँ पे आने से पहले जैसे मैं बता रहा था, मेरे को सभी लोग US में, न्यूयॉर्क में, जो भी मिल रहा था बोल रहा था मेक्सिको में बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्राइम है और बहुत ध्यान से चलना, मतलब हर आदमी डराने लग रहा था। अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बड़े शहर तो दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाओ ऐसे ही होते हैं, आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। यहाँ पे एक ATM दिखा तो रहा था गूगल मैप्स पे, देखते हैं किधर सी गया। अपना ना एक एडवांटेज क्या है इंडियन लोगों का, कि अपन ब्राउन होते हैं, मतलब मोस्टली मैं तो खासकर डार्क ब्राउन हूँ, कई गोरे भी होते हैं, पर मेरा जो स्किन कलर है ना, मैं ऐसा लगता नहीं हूँ कि भाई फॉरनर हूँ इनके लिए। इंडिया में तो मैं इंडिया का लगता ही हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में कहीं जाऊँ तो वहीं का लगता हूँ, मेरे से अरेबिक बोलते हैं, और अफ्रीका में भी जाऊँ तो थोड़ा थोड़ा वहाँ का भी लगता हूँ। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में आऊँ, जैसा मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ का भी लगता हूँ। तो ये बेनिफिट है, लोग मेरे को ज़्यादा वो फॉरनर नहीं समझते। मैं गोरा होता, वाइट होता, नॉर्थ अमेरिकन होता तो ज़्यादा खतरा था। जिस हॉस्टल में रुका हूँ ना, यहाँ पे मेरा एक दोस्त बना था, वो अंग्रेज है लंदन का, उसके साथ मैं बाहर घूम रहा था, उसको सारे घूर रहे थे, मेरे को कोई नहीं घूर रहा था। और जैसे भी कुछ ऐसा लग रहा ना कि भी उसे डर सा लग रहा, तो मेरे पास आ रहा बार बार, मेरे नज़दीक हो जा रहा। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मेक्सिको मेरी सेकंड स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है जिसमें मैं आया हूँ। उससे पहले मैं स्पेन था 1-2 महीने पहले, जैसे आप लोगों को शायद पता ही होगा। और स्पेन में फिर भी लोग इंग्लिश बोल लेते थे, मैं बार्सिलोना में था सिर्फ, बड़ी सिटी में, छोटे शहर में शायद वहाँ भी ना बोलते हो। मेक्सिको में पर इवन मेक्सिको सिटी में भी इंग्लिश कोई नहीं बोलता। नो हाब्लो स्पैनोल, लो सिएंटो, मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे को स्पेनिश। यहाँ पे कोई नहीं बोलता इंग्लिश, मतलब सारे सिर्फ स्पेनिश ही बोलते हैं। स्पेन में तो आप बिना स्पेनिश सीखे भी गुजारा कर सकते हो बड़े शहरों में, इधर आपको आने ही चाहिए बेसिक्स। जैसे अब मैं इसको कह रहा था कि मेरे को स्पेनिश नहीं आती, स्पेनिश में बोला मैंने, इंग्लिश में बोलता था, इसको कहाँ समझ में आना था। बाकी रेट्स वगैरह की बात करें तो काफ़ी सस्ते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी तक जो रेट्स मेरे को पता चले। बाकी अपन देखते हैं, कुछ छोटा मोटा खाएंगे तो और आइडिया हो जाएगा। सेंटर से थोड़ा सा साइड में आ गए अब हम, तो भीड़ भी थोड़ी सी कम होगी इधर, नहीं इधर फिर आ गई यार भीड़ तो। इधर ATM दिखा तो रहा है एक, पता नहीं किधर है, देखते हैं। बाकी सही बताऊँ ना तो न्यूयॉर्क से तो काफ़ी सेफ है। ये आइसक्रीम बेच रहे हैं यहाँ पे, इधर एक दिखा तो रहा है ATM, पिछली जगह भी दिखा रहा था पर वहाँ कुछ भी नहीं था, इधर भी दिखा तो रहा है गूगल मैप से, पर देखते हैं। ये ना इधर इस तरह की रोड साइड ऐसी दुकानें बहुत सारी यहाँ पे जगह जगह, मेरे लेफ्ट में बता रहे ATM है एक, और ये तो जूतों की दुकान है एक, ये भी सारे जूते वाले यहाँ पे। तो यहाँ तो कुछ नहीं भाई, मॉल तो नहीं है कहीं अंदर, अरे ये रहा ATM। इंग्लिश है भी है नहीं इसमें भाई, इंग्लिश ही नहीं है इसमें, ATM इंग्लिश ही नहीं अभी तक, तो देखते हैं कार्ड डालने बाद क्या बता दे भाई, इंग्लिश ही नहीं है, चलो कोई नहीं, अरे त्रीक है, ले तुक्के मारते हैं, चलो देखते हैं। मेरे को स्पेनिश नहीं आती पर तुक्के मार के कर रहा हूँ,
देखो यहाँ तक तो मैं ठीक आया मेरे ख्याल, ये अदर अमाउंट हो गया शायद, अपन निकलवा लेते 1500 मैक्सिकन पैसो, एक मैक्सिकन पैसो में इंडिया के 4.25 रुपये होते हैं, और इस तरीके से तो 46 फीस भी लेंगे, फीस तो लगेगी तो ज़्यादा ही निकलवा लेते हैं, तो भाई 3000 निकलवा लेते हैं, हाँ फीस उतनी लगेगी चाहे कितने निकलवाओ, 46 यानी कितने हो, इंडिया के 200 रुपये फीस लेंगे चाहे कितने पैसे निकलवाओ। मैसेज तो आ गया भाई मेरे फ़ोन में से, पैसे कट के 12710 रुपये, पैसे तो अपने निकल गए बिना स्पेनिश की जानकारी के भी, अब कुछ खाने का देखते हैं। अरे रिक्शा सी देखो इधर भी है, ये ऐसी सिमिलर सी न्यूयॉर्क में भी थी,